मैं हूँ पुलिया बेट गेम की जानिब से और आपको आज सिखाऊंगा कि किस तरह आप GTA San Andreas में चीट मेन्यू ऐड कर सकते हैं और चीट मेन्यू आपके गेम में क्या रोल प्ले करता है। तो चलिए ये सब देख लेते हैं छोटे से गेम प्ले में कि ये क्या रोल अदा करता है। आई होप कि आपको चीट मेन्यू बहुत ही पसंद है। अगर आप इसको अब इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पीसी के GTA San Andreas तो आपने वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह आप चीट मेन्यू का जो फाइल है वो किस तरह डाउनलोड करेंगे, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे अपनी पीसी के GTA San Andreas। तो अगर आपने ये सब कुछ सीखना है तो आपने वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है, एक एक स्टेप को सही से फॉलो करना है। चलिए ये सब देख लेते हैं पीसी की स्क्रीन पे। आइए चीट मेन्यू को इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी GTA San Andreas में। तो सबसे पहले हम उसे डाउनलोड करेंगे, 1 MB से भी कम फाइल है, हम उसे कैसे डाउनलोड करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए और इस पोस्ट पे आइए। जैसे भी इस पोस्ट पे आओगे तो आपने क्या करना है, इसको स्क्रॉल डाउन कर देना है और देन यहाँ पर आपको दिख रही क्लिक हियर, तो आपने क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है और जैसे भी आप क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। देन आपने यहाँ पर भी क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है और फिर आपके पास कुछ ये आएगा और आपने क्या करना है, इसको स्क्रॉल कर देना है और देन यहाँ पर आपने चेक कर देना है कि मैं एक रिबोट नहीं हूँ। तो देन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कि मैं एक रिबोट नहीं हूँ और जैसे भी आपके पास ये क्लिक हियर टू कंटिन्यू शो हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे भी क्लिक करोगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा और जैसे भी ये ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको स्क्रॉल कर देना है और देन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट कर देना है, सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड। और जो प्लीज वेट का बटन है ये बन जाएगा गेट लिंक और आप कर दीजिए इस गेट लिंक पर क्लिक और सिंपली यहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल ड्राइव की लिंक पर और यही से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इस डाउनलोड पर जाता हूँ और यहाँ पर है मेरे पास डाउनलोड में, तो ये मैं क्या करता हूँ इसको डेस्कटॉप पर लाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस पे राइट क्लिक करके देन यहाँ पर विनयार पर आके यहाँ पर एक्सट्रेट हियर पर क्लिक कर देता हूँ। हमारे पास सिंपली एक्सट्रेट हो जाएगी, कोई भी पासवर्ड नहीं है और देन आपके पास फिर होना चाहिए GTA San Andreas का शॉर्टकट। अगर आपके पास GTA San Andreas का शॉर्टकट नहीं है तो आप जैसे भी GTA San Andreas के ओपन करने के लिए जाते हैं तो आप उस पोर्टल पर जाइए और देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस GTA San Andreas शॉर्टकट पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास ये पोर्टल ओपन हो चुका है और दूसरा पोर्टल में भी ओपन करूंगा जो मैंने एक्सट्रेट किया है। देन मैं इसको इस साइड पे कर देता हूँ और इसको इस साइड पे कर देता हूँ। फिर यहाँ से सारी फाइल्स को मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, देन यहाँ पे GTA San Andreas के पोर्टल में पेस्ट कर देता हूँ और देन यहाँ पर मैं रिप्लेस पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा चीट मेन्यू बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है, इसमें और कोई भी कुछ नहीं करना है, सिंपली आप GTA San Andreas को ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास GTA San Andreas जो है बिल्कुल ओपन हो चुका है। देन यहाँ पर आप चीट मेन्यू ओपन करने के लिए आप सिंपली जो है प्रेस कर दीजिए कंट्रोल सी और जैसे भी मैंने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया यहाँ पर हमारे पास मेन्यू आ चुका है और देन यहाँ पर आप क्या करोगे कि सेलेक्ट करने के लिए आपको स्पेस प्रेस करना होगा और नीचे आने के लिए आपको जो एरो बटन है राइट साइड पे आपको मिलते हैं उसके डाउन बटन पर आप क्लिक करके नीचे आ सकते, आप पर क्लिक करें तो आप जा सकते हैं और देन यहाँ पर एंटर से आप बैक जा सकते हैं और स्पेस से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मैं क्या करता हूँ स्वीप एंड कार्स पर क्लिक कर देता हूँ, देन यहाँ से बाइक पर क्लिक कर देता हूँ, ये सबसे फर्स्ट और यहाँ पे मैं स्पेस से ही इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और स्पेस से ही आगे जो जाता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ये वाला कार जो है मैं ले लेता हूँ, मतलब ये वाला बाइक है ये मैं ले लेता हूँ, स्पेस करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो बाइक है वो इसने ले चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद, अगर पसंद आया तो लाइक के बिना तो बिल्कुल मजा आई, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली जो है न्यू गेम मिल जाते हैं और आप उसे इजीली जो डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, जो आपको न्यू गेम मिल जाती है और साथ में जो है आपको इसमें जो है मूड्स के अलावा वगैरह बहुत सारी कुछ जो है मिल जाता है। तो आप इस चैनल को चेकआउट कर दीजिए, तो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों बात आती है मेरे चैनल को, तो मेरा चैनल का नाम है हिंदी उर्दू गेमिंग। अगर आप उस चैनल पे जाना चाहते हैं तो सिंपली लिख दीजिए हिंदी उर्दू गेमिंग यूट्यूब की सर्च बार में, तो आप जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको वो चैनल पसंद आता है तो आप सिंपली जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो आखिर में यही कहूंगा फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।